गणतंत्र दिवस रघुनाथपुर खातिर रहल याद। दरअसल रघुनाथपुर में जब गणतंत्र दिवस पर झंडोत्तोलन होत रहे, तही क्रम में जब झंडोत्तोलन करे खातिर रजिस्ट्री कचहरी में लोग पहुंचल तो वहां झंडा फहरावे में पसीना छूटे लागल। काहे कि झंडा के इतना ना बरियार बांध दल गई रहे कि वो फहरावे खातिर 2-3 आदमी के जरूरत पड़ल। ओकरा से भी ज्यादा तब लीला भइल जब झंडोत्तोलन करे वाला पूरा काफिला पहुंचल रेफरल अस्पताल रघुनाथपुर में। रेफरल अस्पताल में तो झंडा फहरते ना रहे तो 2 बार नीचे उतारल गइल, पुनः खोल के बांधल गइल आ तब ऊपर चढ़ा के फहरावल गइल। और ओहू से ज्यादा दुख के बात ई बा जब शाम के पता चलल कि 6:30 बजे यानी कि किरण डूबला के काफी देर बाद पशु अस्पताल रघुनाथपुर में झंडा 6:30 बजे तक फहरत रहल। जब सोशल मीडिया पर उकर तस्वीर वायरल भइल तब जाके पशु अस्पताल के कर्मी ओ तिरंगा झंडा के उतारे के जहमत कइले, यानी कि ओकरा पहले उनका उतारे के फुर्सत ना रहे। ये तिरंगा के अपमान हो जौन की रघुनाथपुर में काल देखे के मिलल। रुवा खुद तस्वीर में देखी नीचे हल्का निकाल लीजिए, पहले अगर दिक्कत हो तो अभी टाइम है, अभी टाइम है, आराम से 2-4 मिनट पहले। अच्छा और नीचे लाइए ना, कथा कर अपने हाथ पे ले लीजिए, आराम से आराम से ना तो यही खींच आई फिर घुस गए आराम से। हाँ पहले धीमे धीमे ले जाइए, ले जाइए आप ढीक है, रोगों को ले जाए डॉक्टर साहब को बना पाता। हाँ चढ़ गए बाबू, उसका सूता चढ़ गया है, खींचिए ना नीचे। अरे सूता चढ़ गया, आप ठीक है, आप धीरे धीरे निकालिए, बार बार वही में घुस पाता है। अब आएगा फिर जाकर फंस जाएगा। और भगवान नीचे फिर से बांध लीजिए पहले।